नॉर्मल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का B1 लेवल, एक जस्ट बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, B1 का टेस्ट आपका चाहिए होगा। B1 का आपको मैं बताता चाहूंगा, इक्वल है, अगर सपोज आप आयलेट्स देखें, B1 इक्वल है 4.5 बैंड आयलेट्स के, तो ये हर कोई आसानी से, अगर आप 1 वीक भी क्लासेस लें आयलेट्स की किसी भी एक इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद आप आसानी से 4.5 बैंड ले सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की हुई है, वो तो बगैर किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए या पढ़े हुए वो इसको टेस्ट दे सकता है आराम से, आसानी से B1 लेवल का वो टेस्ट पास कर सकता है। आपको एक और चीज बताता चलूं, एक तो ये टेस्ट, एक आपका पासपोर्ट, एक आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद जब आपका केस आ जाता है, होम ऑफिस में जाता है, उसके बाद जब वहां से वर्क परमिट अप्रूव होकर आता है पाकिस्तान में या आप किसी भी मुल्क में हैं, वहां से आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, आपको वीजा मिलता है, आप चले जाते हैं। टोटल इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 5 वीक से 6 वीक के दरमियान आपका वीजा लग जाता है। अच्छा सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं UK जाना, वहां जाकर काम करना, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे भी वहां पर आपके साथ चले जाते हैं, वहां पर जाकर एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट है, मेडिकल वो बिल्कुल फ्री है, तो बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर आप UK जाते हैं, जाकर आप अपने आप को सेटल डाउन करना चाहें तो अच्छा सुनहरी मौका है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो लोग अपनी फैमिलीज को लेके जाना चाहते हैं, सपोज वो चाहते हैं कि हमारे बीवी बच्चे भी हमारे साथ जाएं, वो भी जा सकते हैं, आप उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप मेन जो एप्लीकेंट होंगे आप होंगे या आपकी वाइफ होगी, 18 साल से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं आपके, वो आपके साथ जा सकते हैं, आप अप्लाई उनका भी कर सकते हैं, और ऑन द सेम टाइम 5 वीक्स में उनका भी वीजा आपके साथ लगेगा, जितना वीजा आपका होगा उतना भी उनका लगेगा, वो डिपेंडेंट होंगे आपके, वो वहां पर स्टार्ट से आपके साथ जा सकते हैं। अगर आप पहले जाकर आप वीजा सबका इकट्ठा लगवा लें, पहले जाकर एकोमोडेशन वगैरह देखें, रिहाइश ले लें, उसके बाद आप 2 माह बाद भी उनको बुला सकते हैं, 3 माह बाद भी बुला सकते हैं, वो आपका या आपके ऑलरेडी कोई रिलेटिव हैं UK में, तो आप उनको बोलकर अपनी एक एकोमोडेशन का बंदोबस्त करें और आप इकट्ठे एक साथ भी जा सकते हैं। अच्छा गोल्डन चांस है तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी, और भी जितने भी ममालिक हैं, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं UK का वर्क परमिट लेने के, चाहे वो 3 साल का है चाहे वो 5 साल का है, आप जा सकते हैं, अच्छा मौका है। अगर आपको मुझसे किसी भी चीज की रहनुमाई चाहिए इस बारे में और तफसील, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे मेरा नंबर भी मौजूद है, Facebook पेज पे भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा ईमेल भी आपको मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, मेरे दफ्तर आए, मैं आपको पूरी तफसील से बता दूंगा। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो इंशाल्लाह विद इन 5 वीक आपको UK का वर्क परमिट इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे और आप वहां पर पहुंचकर अपना काम करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है वो एक अच्छे तरीके से उधर गुजारें। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे यह है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, हम आपके लिए अच्छी वीडियोज बनाते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो इससे हमारी भी जरा एक खुशी हो जाती है कि हमारे इतने व्यूअर्स हैं और जो हमको सुनते हैं। तो काइंडली आप इंस्टेड ऑफ आप जस्ट सुनकर चले जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।